अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जी प्याज काटे जा रहे हैं और जैसे ही मैंने ना कैमरा ऑन किया तो बाकी ने मुंह बना लिया जानबूझ के ना। असल में ना काम बहुत ज़्यादा था आज, टाना भी था काम फटाफट क्योंकि मैंने जाना लाहौर। तो मेरे हस्बैंड ने ना थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की है मेरी, क्योंकि ना संडे है और वो आज ना घर पे ही हैं। तो आप लोगों ने टिप तो सुन ली होगी जो उन्होंने ग्लासेस वाले दिए, वैसे आइडिया तो अच्छा है। अच्छा, जो हॉस्टल में रहने वाले लोग होते हैं ना उनके पास बड़ी कारामद जो है ना टिप्स होती हैं, जो अपनी लिविंग के दौरान ना उन्होंने सारे अप्लाई करके देखे होते हैं, और ख़ास तौर पर लड़कों के पास, क्योंकि ना लड़के, मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे हॉस्टल में तो लड़के ही होते हैं ना बेचारे, उस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन टोटकों की और अपना दिमाग चलाने की। जाहिर है जो हॉस्टल है वहाँ पे बैठे बिठाए तो कुछ मिलता नहीं है, सारा कुछ खुद से करना पड़ता है, और इंसान की ना ग्रूमिंग बड़ी अच्छी हो जाती है हॉस्टल में रह के ना, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ना सलीका शुमार भी हो जाता है मेरे जैसा बंदा जिसने ना हॉस्टल में जाके सारा कुछ सीखा हो। मिराज अंदर नहीं लेके जाना बेटा, इसे कट लग जाएगा जुबान पे। कुछ इन्होंने ना बुकिंग भी करवाई हुई थी किसी होटल की, हाईटी की, ये कह रहे थे कि बस फटाफट जो है ना काम खत्म हो, तो इसीलिए भी ये मेरे साथ जो है ना हेल्प करा रहे थे। तो अभी जो है ना हम बस वहीं आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना सकाफत बेकरी है वहाँ पे आए हुए हैं सरकोदा में ना, और इनकी काफी ब्रांचेज हैं यहाँ पे। तो बाकी आप देख रहे होंगे कि इनका ना मुंह बना हुआ है क्योंकि ना यहाँ पे जितनी भी चीजें थी ना आइटम्स थे वो सारे जो है ना इनकी पसंद के नहीं थे। इनको तो वो कड़ाही और बिरयानियाँ और पुलाव और जर्दे इस टाइप की चीजें जो है ना पसंद है इनको। तो यहाँ पे सारा जो है वो चाइनीज फूड था, और ये मेरा तो फेवरेट था पर इनका नहीं था। लेकिन जो है ना जब आपका कंपेनियन, आपका जो साथी है वही ना खा रहा हो ठीक तरह से, तो फिर आपको भी मजा नहीं आता। तो यहाँ पे खाना जो है वो बहुत अच्छा था, मैं ये जरूर कहूंगी, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया आज ना खाना खाने का, क्योंकि ना बाकी ने इस तरह से ना इंजॉय नहीं किया, उनको देख के जो है वो मुझसे भी नहीं खाया जा रहा था। आप लोगों ने चीजें तो देख ली होंगी कि मजे मजे की चीजें थी सारी की सारी, तो मैंने अपनी प्लेट भी निकाल ली। अच्छा, इनके स्टेक्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है ना वो इनकी, वो जो है ना पिज्जा था। बस पिज्जा इनका बहुत अच्छा था, बाकी खाने जो है ना बस एवरेज थे हाईटी में ना, और बहुत ज्यादा तादाद भी नहीं थी खानों की जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ना मैंने लाहौर में बहुत ज्यादा हाईटी की हुई है तो मुझे पता कि वहाँ पे इन पैसों में जो है ना अच्छा खासा जो है वो मेन्यू होता है और अच्छी खासी ऑप्शन होती है आपके पास। तो मैं कह रही थी कि इनको और कुछ नहीं तो जस्ट जो है ना कोई टिक्का पीस या फिर जो है वो कबाब, मलाई बोटी, ये दो तीन आइटम जो है ना लाजमी साथ में जो है रखने चाहिए। बाकी हर कोई जाहिर है अपने लिहाज से जो है वो चीजें करता है। बाकी इनका जो ये चॉकलेट फाउंटेन था ना वो बहुत मजे का था, और मजा भी आया खाने का भी, और यही चीज जो है ना एक देखने वाली थी। और ना टेस्ट में भी काफी अच्छा था ये। आज कुछ मिराल ने भी ज्यादा तंग किया, इसको ना बिठा के रखा हुआ था ऊपर, तो ये कहती है कि मुझे टेबल पे चढ़ा दो जहाँ पे इतने सारे आइटम्स पड़े हैं, प्लेट्स पड़ी हैं, चम्मच पड़े हैं, मैं वहाँ पे चढ़ के खेलती रहूँ, यहाँ फिर मुझे नीचे उतार दो। तो हम लोग दोनों में से कुछ नहीं कह रहे थे। इनका ना मिंट मार्गरेटा पड़ा हुआ था, या तो कहती थी कि मुझे वो पिलाओ, और वो काफी ठंडा था, आइस्ड था। अच्छा, ये भी इनका जो है ना अच्छा था, और ये भी था कि ये बार बार सर्व कर रहे थे जब जब आपको जरूरत पड़े, तो एक ये चीज अच्छी थी इनकी। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम लोग फारिग हो गए तो मिराल को थोड़ी देर के लिए इनका जो बाहर का व्यू है ना वहाँ पे लेकर आगे कि ये थोड़ा सा खेल ले, क्योंकि इसको नीचे उतरने का ना काफी शौक हुआ हुआ था, और वहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा गेस्ट थे, लोग थे, तो वहाँ पे इसलिए हम लोग इसे नीचे नहीं उतार रहे थे, तो बाहर लेकर आए। यहाँ पे धूप थी तो अभी कोई लोग ना यहाँ पे बैठे नहीं हुए थे, तो मिराल ने कुछ देर बाहर खेला, बाहर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह खींची, काफी फ्रेश हो गए क्योंकि ना आज सुबह से मैं लगी हुई थी, मशीन भी लगाई हुई है और काम भी बहुत ज्यादा है। फिर मैंने सोचा था कि यहाँ से ना निकलते निकलते मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी देख लूंगी, बेकिंग ओवन वगैरह की प्राइसेस वगैरह देखती हूँ कि क्या हिसाब किताब है। तो
प्राइजेस अब काफी ज्यादा हो गई हुई हैं। छोटा सा बिल्कुल छोटी कैपेसिटी का ओवन भी ना काफी कॉस्टली है, मतलब 20,000 से ऊपर ये जो सबसे छोटी कैपेसिटी का था। हायर का डॉलेंस का तो इनके पास है ही नहीं था, हायर का था। तो हायर के जो ओवन है ना वो मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है जितना मुझे डॉलेंस पे है, क्योंकि मैं डॉलेंस की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन यह कि मेरा इरादा ही बदल गया फिर ओवन लेने का ना, उसमें जो है ना खाना जो बना हुआ खाना होता है ना काफी नुकसानदेह होता है, तो उसकी जगह जो है ना मैंने एक और चीज सोची है। तो गैस पे चलने वाली चीज जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली चीज से बेहतर होती है इस मामले में ना। जो ओवन और एयर फ्रायर है दोनों का ही मैंने नुकसान सुना है, तो मैंने कहा कि फिर जो है ना कुछ और ट्राई करके देखते हैं, कुछ यूनिक सा। अच्छा फिर हम लोग घर वापस आ गए और ये प्याज बाकी ने छिलके छिलके बता रहे थे, इनको मैंने धो के गई थी ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, इनका पानी वगैरह ड्राई कर लेना पहले, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इनको डाल दिया चॉपर में चॉप करने के लिए। तो मैंने काफी ज्यादा चॉप करके रख लिया। अच्छा मैं दूसरी तरह काटते ना वो नहीं काटती, इसका बड़ा फायदा होता है। एक तो ये कि आपका प्याज बहुत जल्दी गल जाता है जब सब्जी बनती है ना, इसको फ्रीज भी आप जो है इजिली कर लेते हो। तो सिंपल इसको जो है ना मैं शीट लेके, अभी मैंने ना जस्ट सुराखों वाली टोकरी में इसको रख दिया नीचे कोई बर्तन रख के, ताकि जितना भी पानी वो निकल जाए। उसके बाद ना मैं इसको जिप लॉक बैग में रख दूंगी, मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी, और ये कि फिर मुझे टेंशन भी नहीं होगी कि बाहर बड़े बड़े प्याज खराब हो जाएंगे, क्योंकि ना एक दो गले भी हैं। अच्छा बाहर बड़ी बड़ी चीज जो है ना खराब हो जाती है गर्मियों में, तो बहुत जल्दी जो है ना चीज खराब होती है, तो बेहतर ये तरीका होता है कि बंदा जो है ना फ्रीज कर ले। तो और भी चीजें जो है ना फ्रीज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंदर भी ज्यादातर चीजें नहीं रहती, जैसे टमाटर वगैरह ना, तो उस पर मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा मेक एंड फ्रीज वाली। तो यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ लाहौर जाने के लिए, मुझे इमरजेंसी में ही जाना पड़ा और कुछ काम था, साथ में मैंने कहा मामा को भी देखाऊंगी उनकी भी तबीयत अब कैसी है, उसका भी हाल चाल पूछाऊंगी। तकरीबन पैकिंग मेरी डन हो गई है। अच्छा लैपटॉप इस दफा ना मैंने इसमें ही रखा है, अलग से बैग पकड़ना पड़ता है और फिर बहुत सामान हो जाता है, मैंने सफर भी अकेले करना है तो फिर मेरे लिए ना मुश्किल हो जाएगा मेराल के साथ, तो मैंने ना इसको कपड़ों के दरमियान में रख दिया कि ये ना खराब भी ना हो। तो आप लोग भी आइडिया ले सकते हैं, वैसे बुरा आइडिया नहीं है, पहले भी मैं लेके जाती रही हूँ। और मेराल ना साथ साथ लगी हुई है हर चीज, उसने बैग में भी पैकिंग मुझे बड़ी मुश्किल से करने दिया, जो मैं अंदर डालती थी ना वही निकाल के बाहर फेंक देती थी। और सुबह सुबह ना मैंने निकलना है, सुबह तकरीबन 5 बजे तक का सोचा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना बस मैं सफर कर रही हूँ, और जिंदगी जो है ना एक सफर का ही नाम है। जो सफर है ना वो शादी के बाद तो मैंने बहुत ही किया है, और सफर शायद मेरी किस्मत में ही अल्लाह मियाँ ने ना लिख दिया है। ससुराल भी दूर है और मायका भी दूर है, तो बस मुझे ये सफर जो है ना करना पड़ता है। और मिराल ने आज मुझे बहुत तंग किया गाड़ी में, मैं अकेली थी थोड़ा, उसको मैं सुबह ना उठा के ले आई कि ये सोई सोई जो है ना आ जाए, लेकिन इसने मुझे इतना तंग किया गाड़ी में, खाती पीती रही है लेकिन जो है ना बस शोर मचाया हुआ था इसने गाड़ी में ना कुछ, मैं भी आवाज आ रही हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था, 7 बजे वाली गाड़ी पे हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे ना मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं ना इंतजार कर रही हूँ उस सीन का जहाँ पे वेलकम टू लाहौर आता है ना, कि वो मैं अपनी वीडियो में लेकर आऊंगी, लेकिन मिराल मुझे तंग कर रही है कि मोबाइल जो है ना मुझे दे दो बस। तो मैं इंतजार कर रही हूँ लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है सीन जो है जहाँ पे वेलकम टू लाहौर लिखा हुआ है। और फिर हुआ भी ऐसे ही है कि जब वो आया है ना, मिराल ने मुझे मोबाइल ले लिया हुआ था, एकदम से मैंने उसे मोबाइल लेके ना वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो ये रहा जी वेलकम टू लाहौर, जो अचानक से ना फटाफट गुजर भी गया। ये वेलकम टू लाहौर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और लाहौर आ जाए तो एक दफा पता लग जाता है कि आप किसी बड़े शहर में एंटर हो गए हो। लेकिन ये है कि यहाँ पे वो सुकून नहीं है जो सरगोधा में है ना, वो सुकून मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी कि वो सुकून वहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे लाहौर में शाम को जो है ना इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी, और इतना शदीद तूफान आया इवन के ओले बरसे, और मेरे पापा ऑफिस में थे, वो मतलब रास्ते में ही थे जब आ रहे थे ना, तो वो कह रहे थे मैं तो डर गया था एकदम से, गाड़ियाँ जो है ना उड़ रही थी वहाँ पे माल रोड पे। तो शुक्र है वो खैर खैरियत से ना घर वापस आ गए, और गाड़ी उन्होंने आते ही फटाफट जो है ना अंदर की, क्योंकि इतनी ज़ोर से ओले बरस रहे थे और मौसम तो अच्छा था, लेकिन फिर इतना खतरनाक मौसम हो जाए तो फिर डर भी लगता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा ना गर्मी ख़त्म हो गई यहाँ पे ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।